हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम का इंग्लिश पेपर का आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस वीडियो में CBSE क्लास 10th का जो इंग्लिश का मतलब एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था दो सीरीज में बटा हुआ था। सबसे पहला जो सीरीज था JSK/1 और दूसरा जो सीरीज था JSK/2। दोनों सीरीज का जो है आंसर की इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल 60 क्वेश्चन था जिसमें आपको कंडीशंस के अनुसार सेक्शन ए में जो है 18 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 14 का आंसर देना था। सेक्शन बी में 12 पूछा हुआ था, 10 का आंसर देना था। सेक्शन सी में 30 पूछा हुआ था, 26 का आंसर देना था, यानी टोटल 50 का आंसर देना था। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स देखा जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले JSK/1 में। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा उसके कॉर्नर में आप देखिएगा तो उसमें सीरीज लिखा होगा। तो अगर आपका JSK/1 है तो उसका आंसर की हम बोल रहे हैं 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का सी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का सी, 10 का डी, 11 का डी, 12 का ए है, 13 का डी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का बी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का सी, 20 का ए, 21 का ए, 22 का बी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का सी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का डी, 31 डी, 32 डी, सॉरी 32 बी, 33 ए, 34 ए, 35 बी, 36 बी, 37 ए, 38 बी, 39 ए, 40 बी, 41 सी, 42 ए, 43 सी, 44 बी, 45 ए, 46 डी है, 47 का ए, 48 का सी, 49 का सी, 50 का डी, 51 का ए, 52 का सी, 53 का सी, 54 का बी, 55 का ए, 56 का सी, 57 का ए, 58 का डी, 59 का सी, 60 का ए। तो ये था आपका JSK/1। इसके बाद जो है JSK/2 का आंसर की बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का डी, 7 का ए, 8 का बी मारे हैं तो भी सही है, सी मारे हैं तो भी सही है, यानी 8 का बी सी दोनों सही है, कोई एक अगर आप टिक आउट किए सही है। 9 का बी, 10 का बी, 11 का सी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का सी, 15 का ए, 16 सी, 17 बी, 18 बी, 19 ए, 20 बी, 21 सी, 22 डी, 23 बी, 24 ए, 25 डी, 26 सी, 27 बी, 28 बी, 29 सी, 30 का सी, 31 का सी, 32 का ए, 33 बी, 34 ए, 35 बी, 36 ए, 37 बी, 38 बी, 39 डी, 40 डी, 41 बी, 42 डी, 43 ए, 44 सी, 45 डी, 46 डी, 47 डी, 48 सी, 49 बी, 50 बी, 51 सी, 52 बी, 53 बी, 54 सी, 55 डी, 56 बी, 57 सी, 58 ए, 59 बी, 60 का डी। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन था, आपको आंसर 50 का ही देना था और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का था। तो यहाँ जो भी आपको ऑफिशियल जो भी आंसर की मिल रहा है बिल्कुल CBSE का ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए इस पर कहीं से कोई डाउट नहीं करना है, आपको आंसर की चेक करना है। और आशा करते हैं कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। आज आप लोग क्लास 10th वाले का लास्ट पेपर भी था, तो आशा करते हैं कि एग्जाम अच्छा गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।